एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय चैनल। आज हम फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है और क्यों करना चाहिए, उसे करने से क्या होगा, क्या जॉब है, क्या चीज़ है। तो आज हम इसमें फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है। देखो, फैशन डिज़ाइनिंग जो होती है, कपड़े होते हैं जो हमारे एसेसरीज़ होती है उनको डिज़ाइन करना होता है, उनको एक ब्यूटीफुल लुक देना पड़ता है, उसे हम फैशन डिज़ाइनिंग कहते हैं। हमें समय के साथ हर जगह बदलते हुए जो भी टाइमिंग है उसके साथ हमें चलना पड़ता है, यानी कि ट्रेंड जो चलता है ना फैशन डिज़ाइनिंग में, उसके साथ हमें चलना पड़ता है, उसे फैशन डिज़ाइनिंग कहते हैं। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग जो है कुछ ग्रुप में भी काम करते हैं और कुछ अकेले भी अपना ओन ब्रांड में भी काम करते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम फैशन डिज़ाइनिंग में काम कर सकते हैं, तो अपना ग्रुप में काम करिए या खुद अपना ओन बुटीक में काम कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि फैशन डिज़ाइनिंग में सुंदर डिज़ाइन किए गए कपड़ों को जो कस्टमर होते हैं उनकी इच्छा अनुसार बनाना पड़ता है। हम चाहे तो फैशन डिज़ाइनिंग में हम ये सीखेंगे जो कस्टमर को फैब्रिक पसंद आता है, जो भी कपड़े उसे पसंद आते हैं उसको हमें डिज़ाइन करके उसको हमें बनाना पड़ता है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, जैसे कि अब बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो कि कौन कौन से क्लॉथ अवेलेबल है, कौन कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है फैशन के थ्रू। फैशन डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि जो हम डिज़ाइनर बन जाते हैं, जैसे कि फैब्रिक होते हैं, ज्वेलरी होती है, शूज़ होते हैं, एसेसरीज़ होते हैं, उसको डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, उनको बनाना पड़ता है, डिज़ाइन भी कर सकते हो। अब डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो ये जो आपको वीडियोस मिल रही है स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग टू लर्न हाउ कैन बिकम अ फैशन डिज़ाइनर एट होम, तो दिस इज़ वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो फैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है कि जो हम एसेसरीज़ होती है, ज्वेलरी होती है, शूज़ होते हैं, हेयर को भी ले लेते हैं, उन सबको भी हमें रेडी करना होता है ना, कपड़े कॉस्ट्यूम के अनुसार हमें हेयर भी बनाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर ही सब चीज़ें आती है। तो मैं बता देती हूँ, जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं कई तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे फैशन डिज़ाइनर किसी एक फैशन के लिए काम कर सकते हैं, जैसे इन्हें इन हाउस डिज़ाइनर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्रीलांसर डिज़ाइनर खुद के लिए काम करते हैं, जो फ्रीलांसर डिज़ाइनर होते हैं वो खुद के लिए काम करते हैं, और फिर जो फैशन डिज़ाइन बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्ल के लिए करेंगे, बॉय के लिए भी करेंगे, फैशन डिज़ाइनर सबके लिए डिज़ाइन कर सकता है, चाहे वो बच्चे हो, महिला, पुरुष, कोई भी हो सकता है। बड़े फैशन डिज़ाइनर ब्रांड जैसे कि कैल्विन क्लेन, जो फैशन डिज़ाइनिंग है बहुत बड़ी ब्रांड होती है, इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी कि कौन कौन सी ब्रांड होती है उसके बारे में। फैशन डिज़ाइनिंग जो होती है दो तरीके से हम कर सकते हैं, तो संग्रह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, वस्त्र डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, यानी कि जो हमें डिज़ाइनिंग रखना है कलेक्शन उसका भी नॉलेज होना चाहिए, फैब्रिक का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो फैशन संग्रह होता है वो डिज़ाइनरों के द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है, वस्त्रों का कलेक्शन करके बनाया गया होता है। ठीक है, और जो वस्त्र डिज़ाइनिंग होती है ये अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कुछ कागज़ों पर अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं या कोई पोशाक के रूप में कपड़ों को सजावट करते हैं। तो जो वस्त्र डिज़ाइनिंग होते हैं, जैसे कि हमें कपड़ा दिखाना है कि हमें कैसे डिज़ाइनिंग करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम पेपर की मदद से, नोटबुक की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर दिखा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो पोशाक होती है, जो पैटर्न मेकिंग बनाते हैं, उसके थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग की बारे में सोच रहे हो कि यू तुम्हें फैशन डिज़ाइनर बनना है लेकिन कोई फील्ड हमें नहीं मिल रही है, क्या करें क्या नहीं करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं छोटी छोटी सीरीज़ में फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर वीडियो बनाती रहूँगी। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो कमेंट आना चाहिए कि हमें जो फैशन डिज़ाइनिंग की वीडियो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी चाहिए, तो ही मैं बनाऊँगी। अभी ये हिंदी के लैंग्वेज के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं और फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड के बारे में, अब मैं बता रही हूँ कि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या आता है। देखो, फैशन डिज़ाइनिंग में कई प्रकार के कपड़े होते हैं, रंग होते हैं, ट्रेंड्स होता है, इनका इस्तेमाल करके नए कपड़े को डिज़ाइन करते हैं हम।
फैशन डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आर्ट तक कपड़ों पर डिज़ाइन करना भी होता है। ये फैशन जो है इस समय के साथ सीमित नहीं है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर चलता है। बल्कि इसमें जो होते हैं ना हैंडबैग होते हैं, फुटवेयर होते हैं, ज्वेलरीज होती है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और टीम जो हमारा होता है फैशन डिज़ाइनर का, वो भी शामिल होता है। अगर आप ग्रुप में काम करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप में एक पैशन होना चाहिए इंक्लूड टू फैशन। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी हम फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जानते हैं तो कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है। और मैं इसमें बता दूं कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है। फैशन डिज़ाइनिंग का अर्थ होता है कि समय के अनुसार कपड़े एसेसरीज डिज़ाइन करना। फैशन डिज़ाइनिंग में समय के अनुसार जो कपड़े होते हैं उनको सुंदर और शैली में बनाना होता है। फैशन डिज़ाइनिंग में हाउस कल्चर और रेडी टू वेयर होता है। ठीक है, हाउस कल्चर में जैसे कि मनीष मल्होत्रा हैं जो सबसे बड़े डिज़ाइनर हैं, ठीक है, ये कपड़े और एसेसरीज़ को बनाते हैं, जिसमें कपड़ों को ग्राहक के साइज़ के अनुसार बनाया जाता है। जैसे कस्टमर को जैसा कपड़ा चाहिए उसके अनुसार ही काम करते हैं मनीष मल्होत्रा। और रेडी टू वेयर में क्या होता है कि ग्राहकों के लिए कपड़े आकारों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ये कस्टम मेड नहीं होते हैं, इसका बड़ा पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ये बड़े कपड़े होते हैं जिन्हें हम रोज़ाना पहनते हैं। रेडी टू वेयर में क्या होता है, जो हम डेली यूज़ में हम फैब्रिक कपड़ा यूज़ करते हैं उसमें करते हैं, ये ग्राहकों के कपड़ों के आकार के डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें यूनिक वो देंगे, नहीं, रेडी टू वेयर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन सब में ये सब चीज़ें चलती है। तो आज आपने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जाना कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है, और आपने क्या सीखा कि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होता है। सिर्फ इतना ही बताना है कि जो फैशन डिज़ाइनिंग होती है ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को लेकर चलता है, ट्रेंड में के साथ चलना पड़ता है हमें। जैसे कपड़े बनाएंगे हम फैशन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होती थी कि जीन्स चलते थे, टाइट टाइट शू, सूट, साड़ियाँ, सब में डिफरेंस आ गया, लेकिन अब फ्यूचर में क्या हो गया, वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इसमें एसेसरीज, जूते, ये सब चीज़ें शामिल होती है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। तो आपने आज फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जाना है। आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।